हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन गेट इजीयर विद जैनी। टुडेज आवर टॉपिक इज कंपेयर फ्रैक्शन। कंपेयर फ्रैक्शन हम किस में करते हैं? फ्रैक्शंस पे करते हैं, ग्रेटर देन से, लेस देन से या इक्वल टू। कि ये दो फ्रैक्शंस एक दोनों सेम हैं या ग्रेटर हैं या लेस हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/5 है, इसकी अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं विद 3/5, इसमें क्या है? सेम डिनोमिनेटर्स हैं। अगर सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएं तो समझना बहुत आसान है कि हम कहेंगे 2/5 इज ग्रेटर देन 3/5, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। मगर हम यहाँ पे कंपेरिजन उनमें कर रहे हैं जिनमें डिनोमिनेटर चेंज हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5/6, 5/7, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल मेथड से किस तरह से होगा कि हम डिवीजन करके जो आंसर आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर हम इसका डेसिमल लें तो इसका आंसर होगा 0.83 और 0.71, ठीक है। जो जो हमें समझ में आ रहा है वो क्या है? 0.83 इज ग्रेटर देन 0.71, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरह से हम किस मेथड से करेंगे? कंपेयर फ्रैक्शन तीन मेथड से होती है, डेसिमल से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और तीसरा मेथड है कि हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लें, ठीक है। अब इसमें हमारे सिर्फ दो मेथड्स यूज होंगे, डेसिमल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डेसिमल मेथड मैंने आपको दिखा दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और इस 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ पे 7/5 से क्या होगा? 35 होगा और 6/5 से 30 होगा। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि 5/6 इज ग्रेटर देन 5/7, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 35 आया है इज ग्रेटर देन 30। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3/4 और 2/3। इस क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 आएगा, ठीक है। 3 3 9 और 4 2 8, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। डेसिमल से सॉल्व करेंगे तो 0.75 और ये बात इसका आंसर आएगा 0.66, तो 0.75 इज ग्रेटर देन 0.5। इस तरह से करके आप अपने जो आंसर है उसको रीचेक भी कर सकते हैं। मतलब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर तो सॉल्व कर लिया, मगर डेसिमल मेथड के थ्रू आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह भी ये सही है और इस तरह भी ये सही है। और अगर आप चाहें तो इसको थर्ड मेथड जो हमारा है वो कॉमन डिनोमिनेटर में क्या होगा कि हम इस वाली फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 3/4 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, और 2/3 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, अपर साइड एंड लोअर साइड बोथ। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 4 3 12, और यहाँ पे 4 2 8 और 4 3 12। अब इस तरह से क्या हो गया? दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए और इसी से भी हमें पता चल रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन 8।
9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। ठीक है, अगर इसी के साथ हम अगर हमारे 3 फ्रैक्शंस हो जाए, तो एक एग्जांपल लेते हैं 4/5, 2/3 एंड 5/6। अब इसमें कॉमन डिनोमिनेटर से ही सॉल्व हो सकता है, डेसिमल से सॉल्व हो सकता है, मगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं होगा। कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे डेसिमल से, ये आप सबसे पहले डेसिमल से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी कॉमन डिनोमिनेटर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से डिविजिबल हो, जैसे 30 है, 6 5 30 होता है और 3 10 30 होता है। तो आपने क्या किया, इस पूरे को अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ट्वेंटी फाइव और ये क्या हो गया, 6 5 30 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इन्हें लेस देन और ग्रेटर देन, तो समझ तो आपको भी आ रहा है मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे लेस क्या है, 20/30 है, ये लेस देन नहीं है बल्कि ये ग्रेटर देन है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। अल्लाह हाफिज़।